सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर एजे एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने हमारे देखा ही होगा कि अभी हम लोग आ रखे हैं सुपौल, वो भी साइकिल से। तो मैंने सोचा कि सुपौल आ ही रखा हूँ तो आप लोगों को एक बार सुपौल मार्केट का फुल टूर करा दूँ, वो भी साइकिल से। तो इस व्लॉग में पूरे एंड तक बने रहे, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। मैं अभी जाने वाला हूँ सुपौल बाजार की तरफ और आप लोगों को कराने वाला हूँ पूरा टूर। तो अभी मैं जिस जगह पर हूँ, इस जगह का नाम है सुपौल का गौरवगढ़, और यहाँ से ओनली 1 किलोमीटर दूर है सुपौल का मेन मार्केट। तो आइए चलते हैं आगे, आगे थोड़ी दूर पड़ेगा हमारा सुपौल का मेन मार्केट। ओ भैया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या पता? और भाई मौसम तो अभी आई लव दिस। अभी मैं जाने वाला हूँ सुपौल मार्केट की तरफ, और आज आप लोगों को साइकिल से पूरा सुपौल मार्केट का टूर कराने वाला हूँ। तो भाई इधर आ चुका है अब सुपौल का टेम्पू स्टैंड और बस स्टैंड। टेम्पू फिलहाल उस साइड भी लगते हैं, और इधर जो है वो मेन बस स्टैंड है। और अभी ये है सुपौल से छातापुर की बस, जो कि खुलने वाली है 5-10 मिनट में ही। और ये है बस स्टैंड का एंट्री, और उधर से भी है एक एंट्री, दो एंट्री गेट है, देख सकते हो लिखा हुआ है सुपौल बस स्टैंड। और ये है गोलंबर, और वहाँ पे ओवरब्रिज का काम चल रहा है अभी। और ये रेलवे फाटक है, और यहाँ और अभी जिस जगह पे है हम लोग, उस जगह का नाम है लोहिया नगर चौक। ऊपर आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है मधेपुरा 35 किलोमीटर, सिंहेश्वर 28, सहरसा 40, बेड़ियाही 33 किलोमीटर। ये है लोहिया नगर चौक, देख सकते हो कितना सुंदर है ये। और इसके आगे है पेट्रोल पम्प, तेरी ये क्या हुआ, यहाँ पे बहुत काम चल रहा है, देख सकते हो आप लोग, पूरा इस साइड का रास्ता जाम कर दिया है। इधर है एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, और इधर है भारत पेट्रोलियम। अभी मैं जाऊंगा आगे अंबेडकर चौक की तरफ, तो आप लोग को वहां का दिखाऊंगा व्यू। तो यहाँ पर यार यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, जैसे सुपौल में मेरा रास्ता है बहुत ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी धूप आ चुका है बहुत ज़्यादा। ये हो गया सुपौल का आदित्य विजन मॉल, और अभी हम जहाँ पे आ चुके हैं, इस जगह का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रोड। और बी आर अम्बेडकर रोड के पास ही है गांधी मैदान, अभी आप लोग दिखाऊंगा आगे चलकर वो भी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतने धूप और गर्मी में एक ब्लॉग बनाना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ लगा हुआ है बीच में बी आर अम्बेडकर जी का एक मूर्ति है, इसीलिए यहाँ का नाम है बी आर अम्बेडकर रोड। और इसके आगे है एक गांधी मैदान, यहाँ पे थोड़ी पहले एक मेला लगा हुआ था गणेश चतुर्थी के टाइम पे, तो मैंने सोचा था कि यहाँ आऊँगा पर मैं आ नहीं पाया, तब का मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। तो ये है गांधी मैदान, आप लोग देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ पहले भी व्लॉग्स बनाए थे, अगर आप लोगों ने अब तक वो वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे है, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उन सारे व्लॉग्स का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी आप इजीली देख सकते हो। इधर से है गांधी मैदान का एंट्रेंस गेट, और ट्रैफिक तो भाई बहुत ज़्यादा है, फिर भी मतलब किसी तरह साइकिल चलाना आता है ठीक से तो चल पा रहे हैं, नहीं तो कोई भी आगे आगे पीछे से ठोक देता है।
यहाँ पे काफ़ी सुंदर मंदिर है, अगर कभी सुपौल आए तो एक बार यहाँ का दर्शन जरूर करें। और ये है सुपौल का सिटी कार्ट मॉल। कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो अभी हम आ चुके हैं सुपौल के महावीर चौक पे, और यहीं पे है, देख सकते हो आप लोग, गोलम्बर के पास एक मंदिर है और उसके पीछे है सदर अस्पताल। अभी मैं जाऊंगा इस साइड स्टेशन रोड के साइड। ये देखिए, ये है सुपौल का सदर अस्पताल। और अभी हम जा रहे हैं सदर अस्पताल से थोड़ा आगे स्टेशन रोड। ये जो रोड है ये जाएगा स्टेशन की तरफ, और ये रोड मतलब साइज में छोटा है और इस पर काफ़ी जाम लगा रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा साइकिल चलाना पड़ेगा संभल के, कहीं कोई ठोक ना दे आगे पीछे से आके। तो देख सकते हो, सुपौल का ये जगह जो है मतलब काफी फेमस है। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की दुकानें हैं। अभी यहाँ पे लस्सी की दुकान है, फिर स्कूल बैग्स की दुकान, फिर टेंट वगैरह की दुकान, मतलब आप सुपौल में कुछ भी खोजोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ ना मिले। ये देख सको, ये कुर्सी वगैरह की दुकान, फिर यहाँ पे तिरपाल वगैरह की दुकान, बाप रे बाप बहुत कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है छोटा जो सुपौल में ना हो। और यहाँ काफ़ी सारे मारवाड़ी का भी दुकान आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मैं जाऊँगा आगे और आप लोग दिखाऊँगा आगे क्या क्या है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है। ओह भाई, जब साइकिल की स्पीड कम हो जाती है तो हाथ भी कांपने लगता है। इस साइड देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे तो यहाँ है सुपौल का सिनेमा हॉल। ये सिनेमा हॉल अभी फिलहाल बंद ही होगा मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि कोविड के कारण ये बंद पड़ा है बहुत दिन से। और यहाँ पे देखिए पोस्टर लगा हुआ है किसी फिल्म का, बाप जी है फिल्म का नाम। देखने का मन करे तो जरूर आके देखिएगा अगर खुल जाए तो। मेडिकल कहाँ है बताओ ना मुझे, है जी आगे वहाँ एक मंदिर है, और उस मंदिर के पीछे है सुपौल का रेलवे स्टेशन, आप लोग वो भी दिखाऊंगा अभी। तो अभी स्टेशन घूम के आए थोड़ा सा, अगर आप सभी को स्टेशन का एक ब्लॉग चाहिए फिर से तो भाई कमेंट में जरूर बताइएगा। वहाँ देखिए उस साइड है सुपौल का रेलवे स्टेशन। रिक्शा वाले तो किसे पागल हो गए, हॉर्न देते थे, चला ना भैया आगा। तो इधर है सुपौल का गुरुमत फूड्स, और अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। आगे देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा मंदिर है। अरे यार शिट, ट्रेंड्स इंडियन मॉल, फैमिली मार्ट, आजकल यहाँ सुपौल में देख सकते हो आप लोग कितने सारे नए नए मॉल खुल चुके हैं। भाई अब तो सही में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लेने लगा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही,
तो मैंने पूरा मार्केट का एक चक्कर तो लगा ही दिया है और धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि पूछो मत। तो अब मैंने पूरा चक्कर लगा के फिर से आ चुका हूँ वहीं पे, वहाँ देवसुधा बोर्ड भपतियाही 35 किलोमीटर, दरभंगा 125 किलोमीटर, किशनपुर 15 किलोमीटर, पिपरा बाजार 20 किलोमीटर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक दो यार जल्दी से।